और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड चुपल। तो आज बुंदेलखंड चुपल बात कर है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड हमारे भारत देश में का और कौन कौन से क्षेत्र में है? बुंदेलखंड को नाम बुंदेलखंड कैसे पढ़ो, इन सब प्रश्नों को उत्तर आज हम आपको देंगे। बात करें हम बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड मध्य भारत को एक प्राचीन क्षेत्र, इको विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भूभाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग का मिला के बुंदेलखंड की समुचे बुंदेलखंड की रचना भई। बुंदेलखंड बिंदेलखंड को अपभ्रंश है। बिंदेलखंड बिंद भूमि विंध्याचल पर्वत अंचलीय क्षेत्र का कई जाते बिंद और इला से बनो बिंधला अर्थात इको मतलब है विंध्याचल पर्वत और ऊ की श्रेणियन वाली भूमि अर्थात विंध्याचल पर्वत के आसपास वाली समग्र भूमि को नाम बिंधला दो, जो कालांतर में क्रमशः बिंदेलखंड और बुंदेलखंड कही गई। बुंदेलखंड को नाम बिंदेलखंड भी है और बुंदेलखंड भी है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विधि विस्तार के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है उसके कारण जो क्षेत्र अपने आप में अनूठो जान पड़ता है। अनेक शासक और वंश के शासन को इतिहास होवे के बावजूद भी बुंदेलखंड की अपनी समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का नकारो नहीं जा सकता। बुंदेलखंड की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। बुंदेलखंड की माटी की खुशबू का कछु ऐसी है कि इते की जन्मी अनेक वीर विभूतियों ने ना केवल अपनो बल्कि ई धन्य धरा को नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षर में अंकित कर दो। आला उदल, रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा छत्रसाल, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती आदि बहुत सी ऐसी विभूति हैं जिनने इस क्षेत्र से जो है समृद्ध रही और उनने भारत के में स्वर्ण अक्षर में बुंदेलखंड को नाम अंकित करवाओ। बुंदेली साहित्य और संस्कृति का नष्ट करने के लाने आक्रमणकारियों ने अनेकन बार बुंदेलखंड पे आक्रमण कर, लेकिन वीर बुंदेलन ने अपने प्राणन की बलि दे के अपने धर्म अपनी संस्कृति अपने रीति रिवाज की रक्षा कर भारत माता को हृदय स्थल जो है विंध्याचल की शैल मालान से सुशोभित चंबल सिंध धशान और बेतवा की पावन दरान से सिंचित मऊआ आम जामुन तेंदू बसूर कटीक आही के बदन से आच्छादित जो भूभाग इतिहास के पन्नन में चंदेल बुंदेला और खंगार राजा से शासित अपनी गरिमा को बखान करत भय पुलिंद दस कुंती खदपद दर्शान जंजाव युति जुजोती बिंदेलखंड आदि नामन से जानो जाते। बुंदेलखंड का केवल बुंदेलखंड नहीं बल्कि वो भूप्रत की आज कोनो राजनीतिक सीमा तो नहीं आ, लेकिन प्राचीन काल से लेके आज तक जब भूमि अपने का एक इकाई के रूप में दृष्टव्य करे भय है। समय समय पे अनेक शासकों ने इस भूभाग पे राज स्थापित करके अपनी छाप छोड़ी। कभी गुप्त सम्राज तो कभो बकाटक कभो नागवंशी कभो प्रतिहार चंदेल खंगार बुंदेला बहुत से जने हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं के उत्थान पतन से ओतप्रोत बुंदेलखंड अपनी अलौकिक छटा लय भय आज भी कायम है। इते पे चंदेल और बुंदेलन की पीढ़ियों ने शासन करके इखा समृद्धि संपत्ति और गरिमा प्रदान करी है। चंदेलन को एकमात्र उदाहरण छतरपुर जिला के पास खजराव भी है। एक बुंदेली कवि ने बुंदेलखंड को कछु इस प्रकार से बखान करो है। कैसे बखान करो हम आपको बताएं कि खजराहो देवगढ़ को दुनिया भर में बखान पत्थर की मूर्तियां खाम मानो मिल गए प्रा। चंदेरी ग्वालियर की ऐतिहासिक कीर्ति छटा तीर्थ अमरकंटक चित्रकूट बालाजी महान सोनागिरी पावागिरी पपोरा के धर्म स्थल अपने धर्म संस्कृति पर हम खाम भारी घमंड। जय 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 भारत अखंड जय 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 बुंदेलखंड। बुंदेला शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें जैसे चंदेल और बुंदेला ने इतने ज्यादा शासन करो और संपत्ति और गरिमा भी बुंदेलखंड का दही है, तो बुंदेला की अगर हम बात करें तो पुरातन काल से बुंदेलखंड अब तक
अनेक शासकों के अधीन रहो, बहुत से शासक। एक कारण इका नामन में जो है कि बहुत सारे परिवर्तन रहे हैं, बहुत सारे नामन से बुंदेलखंड का जानो जाते। लेकिन बात करें बुंदेला की तो पौराणिक काल में इका जो है चेदी जनपद से, चेदी जनपद के नाम से उल्लेखित करोगे। कबू 10 नदियन वाले प्रदेश होवे के कारण दर्शान प्रदेश भी कहोगे, बिंद पर्वत श्रेणियां होवे के कारण इका बिंद भूमि भी कहोगे, और चंदेली शासन के दौरान इस क्षेत्र का जुझौती के नाम से भी जानो जात रहो। लेकिन गहरवार शासक हेमकरण ने जब बिंदवासिनी देवी की आराधना करी, तब हेमकरण ने देवी का 5 नरबलिया दई और तबई को नाम पंचम सिंह पढ़ो। बाद में बिंदवासिनी देवी की भक्ति में लीन होके उनने अपने नाम के बाद बिंदला, जो कि हमने पहले एक अर्थ बताओ, बिंदला शब्द जोड़ दो। कालांतर में जो ही बिंदला शब्द बुंदेला के रूप में परिवर्तित होगा, और जौन क्षेत्र में पंचम सिंह बुंदेला या उनके वंशज ने राज्य विस्तार करो उते बुंदेलखंड कहलाओ। तो बुंदेला शब्द से परिवर्तन हुआ बुंदेलखंड, और आज भी भारत में अपनी छाप लगाए गए है। भारत के कई लोगों, भारत की कई जगह पे बुंदेलखंड को नाम स्वर्ण अक्षर में लिखो गो है, बहुत सी चीजन के लाने लिखो गो है, और आज बुंदेलखंड कायम। तो ऐसे बहुत सी चीजें हम आपके बीच में लेके अभी, बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।